दो सगी बहनों ने ठुकराया अमन गुप्ता का ऑफर, गुस्से से तमतमाए अमन गुप्ता। शार्क टैंक सीजन 3 में मच गया बवाल। टीवी का पॉपुलर शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 शुरू हो गया है। नए स्टार्टअप्स को नई उड़ान देने के लिए दिलचस्प ऑफर की पेशकश के साथ फीचर्स पहुंच रहे हैं। कुछ डील शार्क को पसंद आ रही है तो कुछ फीचर्स के आइडियाज। दिलचस्प ऑफर्स की पेशकश करने वाले इस सीजन के शार्क भी चर्चा में बने हुए हैं। कभी इनके बीच मस्ती मजाक देखने को मिलता है तो कभी ये आपस में ही भिड़ जाते हैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड में अमन गुप्ता एक आभूषण ब्रांड के मालिकों से नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के जज अमन गुप्ता इन दिनों सुर्खियों में हैं। अभी दो भाई जो फास्ट फूड चेन को देश में और बढ़ावा देने के लिए 1% की इक्विटी मांगने आए थे, अमन गुप्ता ने चेक साइन करके भी दे दिया लेकिन उसे फाड़ दिया। इस पर पीचर ने उनकी किस्मत फटी कह डाला था। वहीं अब दो सगी बहनों ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है और वो गुस्से से तलमला गए हैं। उन्होंने कहा कि चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आगरा के रहने वाली दो सगी बहनें आभूषण ब्रांड की मालकिन हैं और क्विक स्मिथ सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड को वो 2016 से चला रही हैं। दिव्या और प्रज्ञा क्विक स्मिथ के संस्थापक हैं जो एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है। ये ब्रांड कविताओं से प्रेरित है और उनके डिजाइनों में झलकता है। दिव्या और प्रज्ञा ने कवितामय अंदाज में अपने ब्रांड को प्रेजेंट किया जो शार्क को बेहद पसंद आया। पिचर्स ने अपनी कंपनी के 1% इक्विटी के बदले 8 लाख रुपए की मांग की। अनुपम मित्तल ने तर्क दिया कि उन्हें यकीन नहीं है कि आने वाले सालों में कारोबार बढ़ पाएगा या नहीं, इसलिए वो पीछे हट गई। नमिता थापर ने भी हाथ पीछे कर लिया। अमन गुप्ता और अमित जैन ने पीचर्स का साथ कुछ शर्तों का ऑफर दिया। दोनों बहनों को ऑफर रास नहीं आया और उन्होंने ठुकरा दिया। जैसे ही उन्होंने ऑफर ठुकराया अमन गुप्ता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, आप आए क्यों हमारे टाइम खराब करने के लिए? नमिता ने अमन को शांत कराने के लिए कोशिश की। अमन बोले, मैं डील से बाहर हूँ। अद्भुत पिच, आपने अपनी कहानियों को बहुत खूबसूरत से बताया। आपने कहा कि आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जब व्यवसाय शो में आएंगे तो मैं उन पर भरोसा करना बंद कर दूंगा। जिस तरह से आप अपना काम चला रहे हैं उसमें कुछ गंभीरता होनी चाहिए, मुझे माफ करें। ये पहली बार नहीं था जब अमन गुप्ता को पिचर्स पर गुस्सा करते देखा गया। पिछले एपिसोड में भी एक में उन्होंने फास्ट फूड चेन मालिकों की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने उनसे 50 घंटे का समय मांगा था। ओ भाई सुन, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो लेकिन मैं तेरे को ऐसे घंटे कमिट नहीं कर सकता, उन्होंने कहा और समझाया कि वो झूठे वादे नहीं करना चाहते।